आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महिंद्रा डिफेंस के 8x8 व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल के बारे में। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जिस सिस्टम को देख रहे हैं, ये महिंद्रा डिफेंस का 8x8 व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है, जिसकी टेक्नोलॉजी DRDO की तरफ से महिंद्रा को ट्रांसफर की गई थी। जैसा कि ATAGS वाले केस में DRDO की तरफ से ATAGS का डिजाइन बनाकर टाटा और भारत फोर्ज दोनों को दिया था, और दोनों ने अपने खुद के इनोवेशन भी ऐड करके एक्चुअल प्रोटोटाइप बनाकर इंडियन आर्मी को ट्रायल्स के लिए दिए थे। कुछ इसी तरीके से DRDO की तरफ से एक 8x8 व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर का डिजाइन बनाया गया था, और इस डिजाइन के बेसिस पर प्रोटोटाइप बनाने का काम दिया गया था महिंद्रा डिफेंस और टाटा को। टाटा की तरफ से इस डिजाइन के ऊपर जो सिस्टम बनाया गया था उसका नाम था टाटा कैस्ट्रल, और इस सिस्टम को आप अलग अलग जगहों पर देख चुके हैं। हालांकि महिंद्रा डिफेंस की तरफ से अपने प्रोटोटाइप को बनाने में थोड़ा ज्यादा समय लिया गया था, और यही कारण था कि शुरुआती दौर में केवल हम लोग टाटा कैस्ट्रल को ही देख रहे थे। लेकिन गांधीनगर में हुए डिफेंस एक्सपो 2022 के दौरान हम लोगों ने महिंद्रा डिफेंस के 8x8 व्हीकल की फोटोग्राफ्स देखी थी। हालांकि तब हम लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल्स वहां नहीं मिली थी, लेकिन ये चीज वहां पर क्लियर हो गई थी कि ये इंडियन आर्मी के साथ में ऑलरेडी ट्रायल्स में है। लेकिन जब ये फोटोग्राफ, जिसको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये पब्लिक डोमेन में आई, तो स्टिकर्स से ये चीज क्लियर हो गई थी कि यहाँ पर डिजाइन DRDO का है और अब ये सिस्टम इंडियन आर्मी के ट्रायल्स में है। देखिए, अगर टाटा कैस्ट्रल की बात की जाए तो काफी समय से हम लोग इस सिस्टम के बारे में जानते थे, और इसको अलग अलग जगहों पर हम लोगों ने बार बार देखा भी है। इनफैक्ट चेन्नई में जो डिफेंस एक्सपो हुआ था, वहां पर मुझे इस सिस्टम के अंदर जाने का मौका मिला था। लेकिन अगर आप महिंद्रा डिफेंस के सिस्टम की बात करेंगे तो अभी तक इस सिस्टम की बहुत ज्यादा फोटोग्राफ्स पब्लिक डोमेन में नहीं आई थी। इनफैक्ट जो फोटोग्राफ महिंद्रा डिफेंस की तरफ से रिलीज की गई है, उसके ऊपर आप स्टिकर्स में देख सकते हैं कि फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, यानी कि अपने प्रोटोटाइप को लेकर महिंद्रा की तरफ से अप्रोच क्लियर थी। वो इस सिस्टम के बारे में तब तक बातचीत नहीं करना चाहते थे जब तक ये सिस्टम इंडियन आर्मी के ट्रायल्स कंप्लीट ना कर ले। हालांकि व्हीकल्स की टेस्टिंग के दौरान फोटोग्राफ्स आमतौर पर बाहर निकल ही आती हैं, और महिंद्रा के इस सिस्टम की इंटरनल टेस्टिंग की कुछ वीडियोस बाहर निकल कर आई। इन फोटोग्राफ्स से अगर आप महिंद्रा के इस सिस्टम को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टाटा कैस्ट्रल से थोड़ा डिफरेंट है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर दोनों सिस्टम्स की डिजाइन है, और अगर आप टाटा के सिस्टम को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके फ्रंटल पैनल के ऊपर एक फ्लैट सेक्शन है, जिसको अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर रेड कलर से डिनोट किया गया है। ये सेगमेंट महिंद्रा के सिस्टम में नहीं है। उनके 8x8 व्हीकल के ऊपर ये दोनों पैनल एंगुलर है, और यहाँ पर कोई भी फ्लैट सेगमेंट नहीं है। पर्सनली मुझे यहाँ पर महिंद्रा का डिजाइन ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि जो लोग आर्मर समझते हैं उनको पता है कि स्लैंटेड पैनल्स ज्यादा बेहतर रहते हैं, क्योंकि जब आर्मर पियर्सिंग राउंड इस तरीके के पैनल के ऊपर आकर लगता है तो उसको कंपैरेटिवली ज्यादा आर्मर भेदना पड़ता है, और इसी वजह से प्रोटेक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। वैसे L&T की तरफ से भी अपनी एक 8x8 व्हीकल की फोटोग्राफ शेयर की गई थी, लेकिन ये चीज क्लियर नहीं है कि क्या उनका भी व्हीकल DRDO के डिजाइन के ऊपर बेस्ड होगा या फिर किसी फॉरेन OEM के सिस्टम को वो इंडिया में बनाएंगे। हालांकि कल्याणी की तरफ से ये चीज क्लियर है कि वो एक फॉरेन डिजाइन को इंडिया में बनाने वाले हैं, और इसी वजह से इंडियन आर्मी की जो रिक्वायरमेंट है उसको लेकर चार अलग अलग तरीके के सिस्टम कॉम्पीट करेंगे। वैसे टाटा कैस्ट्रल की कुछ यूनिट UN मिशन के लिए, स्पेसिफिक लद्दाख वाले रोल के लिए, और CRPF के कुछ रोल्स के लिए इंडक्ट किए जा चुके हैं। अगर इनकी स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो ये सारे के सारे लगभग 25 टन के आसपास के सिस्टम होने वाले हैं, जो 3 के क्रू और 9 पैसेंजर्स को कैरी करने में सक्षम होगा। मोस्ट लाइकली सभी के सभी सिस्टम 600 हॉर्स पावर के इंजन से पार किए जाएंगे, और नेचुरली ये मल्टी मिशन सिस्टम्स होंगे, क्योंकि इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अलग अलग तरीके के सिस्टम्स, जैसे कि 30mm गन लगाकर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 23mm ऑटो कैनन्स लगाकर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, V-Sharad बेस्ड क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, या फिर ATGM बेस्ड टैंक किलर्स बनाए जा सकते हैं। वैसे अगर टाटा कैस्ट्रल और महिंद्रा का ये 8x8 व्हीकल दोनों ही इंडियन आर्म फोर्सेस के रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से मीट करते हैं, तो यहाँ पर L1-L2 स्प्लिट भी हो सकता है, जहाँ पर L1 को 60% ऑर्डर और L2 को 40% ऑर्डर्स मिल सकते हैं। L1 का मतलब है वो वेंडर जिसकी कोट सबसे कम हो, और L2 वेंडर का मतलब है जिसकी कोट सेकेंड लोवेस्ट हो। ओवरऑल इस तरीके के डेवलपमेंट रियल आत्मनिर्भर भारत की तरफ स्टेप्स है, क्योंकि यहाँ पर चेक एंड बैलेंसेस सारे के सारे बने हुए हैं। डिजाइन DRDO का है, प्रोटोटाइप इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज बना रही हैं, और इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज फॉरेन OEM के डिजाइन को लेकर भी यहाँ पर आ रही हैं, ताकि परफॉर्मेंस पे यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज ना हो। यहाँ पर एक फ्री एंड फेयर कॉम्पिटिशन होगा, और उसके बाद सिस्टम सेलेक्ट किया जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।